कमेटी बनी है उनके सब मेंबरों को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जमात के लिए अच्छा काम करेंगे। और जमात के लिए अब काम करने के लिए अब सबसे ज़्यादा अगर जो ज़रूरत है तो हमें यूथ की ज़रूरत है। अब जितने भी हम लोग हैं वो सब रिटायर स्टेज पे हैं और अगर जो आप जमात की बेहतरी चाहते हैं और जमात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। अगर जो ये नहीं आए तो ये चंद लोग हैं, कुछ सालों के बाद आपको नज़र नहीं आएंगे और नज़र नहीं आएंगे तो आपके पास सेकंड लाइन नहीं होगी। अभी से जो है ना यूथ को चाहिए कि वो सेकंड लाइन के लिए तैयार हो और आके ताउन करें, अपना नाम लिखाएं, बताएं कि हम ये काम करेंगे। इसके बगैर आगे जो है ना ये जमात बढ़ेगी नहीं। दूसरी जमातों में आप देख लें जाके, लोग ओहदे के लिए जो है ना इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, लोग सीटों के लिए जो है ना अपना अपना नाम देते हैं, अपना वक्त देते हैं। हमारे वहाँ हमें ज़बरदस्ती लोगों को लाना पड़ता है। वो कितने साल चलेगा ये? अगर तो आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि भाई मोरबी टकारी की जमात का कोई बंदा काम करने वाला नहीं होगा। वो काम करने वाला नहीं होगा तो आपके फलाही काम सारे बंद हो जाएंगे। सबसे बेहतर ये है कि यूथ को आगे आएं, आगे एक कन्वेंशन बुलाएं। मैं तो इनको ये सजेस्ट करूंगा कि एक यूथ का कन्वेंशन बुलाएं और उनको तैयार करें कि आके जो है खड़े रहें और अपने लिए जो अपनी जमात के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, उनके लिए काम करें। हम कितने दिन काम करेंगे ये बता दें। 20 साल तो मुझे हो गए तकरीबन, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए। अब कितना काम कराएंगे हम आप हमसे? बेहतर ये है कि आप लोग आगे आएं, आगे आने की ज़रूरत है, अब वक्त है। हमारे होते हुए आपको सीखने को भी मिलेगा, मौका भी मिलेगा। कुछ लोग ही जो है ना इस जमात के लिए आगे आते हैं, बाकी तो कोई नहीं आता है। दूसरी जमातों में जाएं, देखें कैसे लोग जो है ना आगे, आपके लिए एजुकेशन की ज़रूरत है। हम लोग जो पैसे जो है, हमारे पैसे हम दूसरी जमातों में, दूसरी वेलफेयर सोसाइटियों में दे देते हैं, इसलिए कि हमारे वहाँ लोग नहीं आते हैं। ना काम करने वाले लोग आते हैं, ना जो है ना आगे बढ़ने वाले लोग आते हैं। तो बेहतर ही है कि वर्ल्ड मेमेंट को हम कितने पैसे देते हैं, अपनी जमात को हम नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आता, काम करने वाले लोग नहीं। काम करने वाले लोग लाएं, अब काम करें। और यूथ का काम है, अब उनका काम है कि वो आगे आए, आगे आके काम करें। अगर उनको कोई रहनुमाई चाहिए तो ये जितने भी बुजुर्ग अभी आपके सामने बैठे हैं आपको देंगे रहनुमाई। और इलेक्शन के वक्त लोग आए इधर जो है ना, हमें जो ये करना पड़ता है कि साहब जो है ना सिर्फ जो है ना कोई भी नहीं आता है तो हमें बड़ी रिक्वेस्ट करके जो है ना लोगों को लाना पड़ता है। मेरा ये पैगाम है, आप लोगों को समझ में आए तो उस पर अमल करें, नहीं समझ में आए तो खुदा हाफिज़ है, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम।